पहले 11th वाले पार्ट को थोड़ा सा करते हैं, एकदम डेवलप करते हैं बिगनिंग से और एक एक करके डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाते हैं और ऑब्जर्वेशन को परफेक्ट रखते हैं, देखते हैं कि प्रॉब्लम दोनों मेथड से चेक करते हैं, जो हम लोग जानते हैं बेसिक मेथड ग्राउंड फ्रेम का और फिर दूसरा मेथड है हमारे पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम का। क्योंकि दोनों मेथड अगर मालूम होंगे तो बाय द वे अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ऑब्जर्वेशन नहीं ले पाए तो आपको ग्राउंड फ्रेम वाला मेथड तो मालूम होगा, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। इसलिए दोनों मेथड से हम लोग यहां पे कंपेयर करते हुए चलेंगे और जब कंपेयर करेंगे तभी हम लोग जाके क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, देखो जरा, हम लोग सबसे पहले जो जानते हैं उन चीजों को मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो हम लोग जो यहां पर जानते हैं उन चीजों को मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो हम लोग यहां पर पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में जानते हैं, हम लोग को मालूम है एक्स एम इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं रिलेशन। और आरसीएम की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, आरसीएम इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस, इसी तरीके से हम लोग यहां पे M1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसे लिख देंगे। अभी हम लोग चेक करेंगे कि इनफैक्ट ये वाली इक्वेशन जो मैंने लिखी हुई यही इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन बना देती है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डेवलप कर देती है और यही इक्वेशन आपकी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाले पार्ट को डेवलप कर देती है, इवन यही इक्वेशन आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन को वैलिडेट कर देती है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एक छोटी सी इक्वेशन है, केवल इसका यूज सेंटर ऑफ मास की पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट अकेले कैलकुलेट करने में नहीं है, आप इसे हर जगह यूज करना चाहो, किसी भी तरीके से यूज करना चाहो, बस ये है कि इसको पहले खुद करके देखना होता है, क्योंकि आपको थॉट्स तभी डेवलप हो पाएंगे जब आप अपने आप करके देखोगे, तभी आप इसमें समझ पाओगे कि एक्चुअल में हमें देखना कैसे, ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है इसमें। ठीक है, जैसे 11th में हम लोग देखते थे कि इसका अगर डिफ्रेंसिएशन कर दे तो वेलोसिटी आती है और फिर डिफ्रेंसिएशन कर दे तो आपको मालूम है एक्सलेशन आता है। मैं यहां पर दोनों वैल्यूज लिख देता हूं, यह आता है वी सी एम इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ठीक है, ये चीज हम लोग जानते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास में यहां पे लिख देता हूं, यह आ जाएगा एम मल्टीप्लाइड बाई वी सी एम इक्वल टू सिग्मा एम वन वी वन, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, राइट। और इसी तरीके से अगर हम लोग यहां पे डिफ्रेंशिएट कर दें इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और अगर आप इस यहां पे डेल्टा ले लो दोनों तरफ, अगर आप यहां डेल्टा लिख रहे हो तो यहां पे भी डेल्टा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डेल्टा के फॉर्म में, ये भी हो जाएगा, ये भी रिलेशन डेल्टा के फॉर्म में हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा कि हर जगह आप यहां पे चेक करोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन आ जाएगी। तो जो इक्वेशन आपके पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की है वही इक्वेशन आपकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की है, उसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, उससे लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहां पर सेकेंड इक्वेशन का फिर से डिफरेंशिएशन करो तो आ जाएगा ए सी एम इक्वल टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास। और अगर हम लोग इसे यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो एम मल्टीप्लाइड बाई ए सी एम इक्वल टू यह आ जाएगा सिग्मा एम वन ए वन, सिग्मा एम वन ए वन का मतलब होता है समेशन ऑफ द ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये आपके पास ये न्यूटन सेकेंड लॉ आ जाता है, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए, क्योंकि सिग्मा एम ए का मतलब क्या हो जाएगा टोटल फोर्सेज, समेशन ऑफ द टोटल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और इसमें समेशन ऑफ द टोटल फोर्सेज में समेशन ऑफ द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल है, लेकिन इंटरनल का सम अपने आप जीरो हो गया क्योंकि वो पेयर में होंगे, पूरे सिस्टम को कंसिडर किया हुआ है, इसलिए यहां पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी
एफ एक्सटर्नल के फॉर्म में, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ये अब रिलेशन जो हमारे पास आ गए इनको मैं एक बार फिर से डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास इक्वेशन यूज होगी तो डेल्टा आरसीएम ये फाइनल यूज होगी डेल्टा आरसीएम इक्वल टू एम वन यहां पे मैं सिग्मा के फॉर्म में लिख देता हूं सिग्मा एम वन डेल्टा आर वन ठीक है डिवाइडेड बाई टोटल मास ये फर्स्ट इक्वेशन ये यूज होगी और ये इक्वेशन आपके पास हो जाएगी m मल्टीप्लाइड बाई वी सी एम इक्वल टू सिग्मा एम वन वी वन और इट इज द p टोटल ठीक है और थर्ड इक्वेशन आपके पास आ गई m मल्टीप्लाइड बाई ए वन ए सी एम इक्वल टू सिग्मा एम वन ए वन और इट इक्वल टू एफ टोटल और इट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ एक्सटर्नल ठीक है ये आपके पास थर्ड इक्वेशन राइट तो देखो ये इक्वेशंस हमारे पास होंगी इनका ही हम लोगों को किसी भी तरीके से इफेक्टिवली यूज करना है ठीक है अब थर्ड इक्वेशन में देखो थर्ड इक्वेशन में इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो ठीक है ये हमारे पास है फ्रॉम थर्ड तो यहां पे क्या आ जाएगा एसीएम इक्वल टू जीरो मतलब क्या आ जाएगा वीसीएम इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसका मतलब क्या हुआ कि इफ नो एक्सटर्नल एक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज कॉन्स्टेंट दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व हमारे पास अब फाइनल पहली स्टेटमेंट ही आ गई राइट यहां तक क्लियर दूसरा स्टेटमेंट आप यहीं से आप इसको कह सकते हो कि इफ दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगा कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इनिशियली इज जीरो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो मतलब यहां तक क्लियर है ये हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाएंगी यहां तक क्लियर है ये वाली बात समझ में आ गई और हम लोग यहां पे जो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है उसकी प्रैक्टिस फिलहाल अभी हम लोग नहीं करेंगे लेकिन मैं थोड़ा सा पार्ट आपको थोड़ा आइडिया इसमें देता हूं कि जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड कंडीशंस है वो कंडीशंस आपकी डायरेक्ट नहीं आएंगी वो प्रॉब्लम में एप्लीकेशन में आएंगी ठीक है जहां पे हमें पोजीशन निकालना है सेंटर ऑफ मास की वो आपके पास एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉब्लम में आएंगे कि हो सकता है कि आपके पास कहीं कोलिजन के केस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी हो फॉर द कैलकुलेटिंग द रोटेशनल वेलोसिटी तो वो वाली चीज आपके पास फॉर्मूले वहां पे यूज होंगे पोजीशन के लिए लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए अच्छे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं ठीक है हम लोग यहां पे पोजीशन वाले पार्ट को जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आप अपनी ऑब्जर्वेशन से बतलाइए तो देखो एक क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ था मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेता हूं ये क्वेश्चन दिया हुआ था ठीक है देखो कितने लॉजिक होते हैं क्वेश्चन में मैं यहां पे बताता हूं कई बार हम लोगों को ये डाउट होता है कि हमें कैलकुलेशन करने ही पड़ते हैं आईआईटी के क्वेश्चंस में आपके 80% केसेस में ऐसा नहीं होता है 80% केसेस में आपको लॉजिक यूज करने होते हैं प्रोसेस ज्यादा बड़ा नहीं होता है आपके लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहां पे क्या था आप जो लेफ्ट साइड में डायग्राम नीचे देख रहे हो एक चेन है जो इस तरह से ओब्वियसली चेन का कॉन्फिगरेशन अगर आप देखोगे तो ऐसा होगा अगर दो एंड फिक्स हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से कनेक्ट कर दिए जाए जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बीच में आपने फोर्स लगाया और इस चेन को थोड़ा सा नीचे किया नीचे की तरफ किया तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया अब क्या हो गया ट्रायंगल जैसा दिखलाई देने लगा यहां तक स्टेटमेंट ठीक है ना ये ट्रायंगल जैसा दिखलाई देने लगा
अब इसमें है कि does the center of mass takes up higher or lower position? आपको इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसा करने में center of mass अप जाएगा या डाउन जाएगा? हमारे दिमाग में ये चीज आ जाती है कि इसको इसका कोई फॉर्मूला होगा या डेरिवेशन करेंगे या कुछ हम लोग कुछ वैसे करेंगे, तो यहां पे लॉजिक के अकॉर्डिंग बतलाइए, आंसर मत देखिएगा आप, मुझे पहले अपने आप लॉजिक के अकॉर्डिंग बतलाइए कि क्या आंसर होना चाहिए इसका, और रिमेन एट द सेम पोजिशन, तीन ऑप्शन हो सकते हैं, अप डाउन और रिमेन एट द सेम पोजिशन, क्या आंसर होना चाहिए? अप या डाउन, अगर अप है तो अप का लॉजिक क्या होगा, अगर डाउन है तो डाउन का लॉजिक क्या होगा? इसका देखो अब ज्योमेट्री से सीधे सीधे लॉजिक लेना थोड़ा मुश्किल है, ज्योमेट्री से आप अगर सोच लो कि सीधे कोई लॉजिक ले लो तो मुश्किल है, हमें यहां पे लॉजिक लेना पड़ता है सेंटर ऑफ मास वाले पार्ट को, हम लोग इलेवेंथ में पढ़ते हैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजिशन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, लेकिन यहां पे एप्लीकेशन के फॉर्म में हम लोगों को देखना होगा। देखो नीचे की तरफ हम लोग लेके गए इसे, फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में हुआ, वर्डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो इस सिस्टम में हमने वर्क कैसा किया, एक्सटर्नल एजेंट ने पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होना चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो सेंटर ऑफ मास विल गो अप, ये वाली बात समझ में आ गई। ऐसे हम लोगों को कॉन्क्लूजन लेने पड़ेंगे सिचुएशन के लिए, और ऐसा करने के लिए थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से एक एक पार्ट को समझ के करना पड़ेगा, आपको इस तरह से कोरिलेट करना पड़ेगा, कोई भी हो आप ये देखो कि आप सिस्टम में पॉजिटिव वर्क कर रहे हो या निगेटिव वर्क कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास को किस तरफ डिस्प्लेस कर रहे हो, पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है तो उस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास ऊपर जाना, ये वाली बात ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा और भी देखते हैं जो छोटे क्वेश्चन है, पहले मैं छोटे क्वेश्चन में देख लू, ये 11th क्लास वाले क्वेश्चन है, पहले यहां से स्टार्ट एक बार प्रैक्टिस में कर लें, सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड। देखो इसमें अगर आप चेक करो, इसमें इस सिस्टम में चेन ले लिया हम लोगों ने सिस्टम, और यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, हम लोग के पास दो ऑप्शन है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम भी, वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, डेल्टा के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पूरी चेन की वेलोसिटी सेम होगी और मास पूरे चेन का लेंगे क्योंकि हर पार्ट की वेलोसिटी इक्वल आएगी, राइट। इसके बाद आप अगर यहां पे चेक करो कि ऐसा प्रोसेस में डेल्टा यू कितना होगा, तो डेल्टा यू जो सेंटर ऑफ मास जितना नीचे जाएगा और जितने मास का नीचे जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा यू में चेंज आएगा, ठीक है, केवल इतना सोचना होता है। छोटे क्वेश्चन से पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो ये हमने कर दिया हैंगिंग पोजीशन, इतनी लेंथ नीचे आ गई वाई लेंथ, तो सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा वाई बाई टू, वाई लेंथ का मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल मल्टीप्लाइड बाई वाई, दैट इज द मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट, और इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे किया हुआ है वाई बाई टू, तो आप क्या करोगे, मास ऑफ दिस हैंगिंग पार्ट मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई वाई बाई टू, दैट इज डेल्टा यू, और साइन क्या होगा डेल्टा यू का, नेगेटिव, डेल्टा के का साइन क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली हमेशा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, लेकिन डेल्टा की वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल करने में डेल्टा के विल बी पॉजिटिव, और अब यहां पर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां पे हम लोग सीधे लिख सकते हैं मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या आपके पास डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द सेंटर ऑफ मास, आप ये कर सकते हो, इससे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ये कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ये जस्ट आपने छोटे वाले पार्ट को देखा, ठीक है। एक अब एक क्वेश्चन में
अब एक सिचुएशन में हम लोग इधर पे आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये तो 11th क्लास में ऐसे हम लोग करते थे और जस्ट रिलेट कर लिया कि कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में आप सेंटर ऑफ मास लो। लास्ट टाइम में भी हम लोगों ने जो लिक्विड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सेंटर ऑफ मास ही हम लोगों ने यूज किया था। इनफैक्ट हम लोग लॉज ऑफ मोशन में भी मैक्सिमम क्वेश्चन बाद में फास्ट किए थे वो सेंटर ऑफ मास अप्रोच से सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ऐसी चीज हम लोग को हर जगह यूज करना होगा। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड। ठीक है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम छोटे क्वेश्चन से। ठीक है, जो एकदम डायरेक्ट है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट को वो पूरा ब्रसअप करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन यही है, लेकिन मैंने क्वेश्चन के पार्ट थोड़े से रिसफल किए हुए हैं। आप इसके इनके आंसर्स बहुत जल्दी दे सकते हो। जैसे फर्स्ट पार्ट का आंसर कि सिस्टम, अगर आप मैन और बोट को ले लो तो इस सिस्टम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट है, सेंटर ऑफ मास इनिशियली एट रेस्ट था। तो अब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम विल बी जीरो। यहां तक क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट ये देख लिया। पहले हम लोग एक छोटे छोटे क्वेश्चन से अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल आल्सो बी जीरो एंड एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम विल आल्सो बी जीरो। बताइए, ठीक है, ये तीनों कंक्लूजन हमने कैसे निकाले कि सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं थे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए ये सिचुएशन हमारे पास होगी। अब हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल एम और स्मॉल एम कैलकुलेट करना है। इस वाले पार्ट के लिए मैं एक बार आपको 11th में जैसे किया था एक बार रिवाइज करा देता हूं और अब फिर फास्ट भी बतला देता हूं कि कैसे आपको करना, वो आपको याद आ जाएगा। देखो, अब अगर सपोज बोट आप ऐसे ले लो, सपोज ये आपके पास बोट है और यहां पे मैन है, ये मैन की पोजीशन इस एंड पे, ठीक है, और यहां पे एक्स और वाई डायरेक्शन हम लोग बना लेते हैं, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास शुड बी जीरो, तो आप यहां लिखोगे डेल्टा एक्स सी एम शुड बी जीरो, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। ठीक है, तो अब यहां पे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होके फाइनल कितना आ जाएगा, एम वन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स वन प्लस M2 multiplied by delta X2, that should be zero। और यहां पे ये जो displacement होते हैं ground के respect में होते हैं, हम लोग यहां पे assume कर लें कि boat का displacement, जैसे यहां लिखे तो ये हो जाएगा man का mass multiplied by displacement of the man plus mass of the boat multiplied by displacement of the boat, That should be zero, right? अब यहां पे displacement of the boat अगर लिखना है हम लोगों को, तो ये हमारे पास suppose unknown है, तो मान लो कि boat इस direction में move कर रही है capital X, तो displacement of the boat को हमने unknown ले लिया, delta X boat equal to capital X, तो delta X man जो होगा, क्योंकि हमें man का displacement boat के respect में मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा delta X मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। ठीक है, अब ये वैल्यू आपके पास कितनी है, एल है, तो कितने अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, तो माइनस एल प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो ये आपको डिस्प्लेसमेंट्स मालूम हो गए, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, एक डिस्प्लेसमेंट ये मालूम है,
दूसरा डिस्प्लेसमेंट आपको ये मालूम है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी m मल्टीप्लीकेशन l माइनस l प्लस x और प्लस कैपिटल m मल्टीप्लीकेशन x इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू कितना आ गया है ml डिवाइडेड बाई कैपिटल m प्लस स्मॉल m, और ये आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। ठीक है, x की वैल्यू आप यहां रखोगे इस इक्वेशन में तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस ml डिवाइडेड बाई कैपिटल m प्लस स्मॉल m। ठीक है, अब आपके पास ये दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इनको हम लोग इन दोनों इक्वेशन को एज ए की इक्वेशन यूज करके देखेंगे, ये हर जगह हम लोग इसको यूज करेंगे। आप अगर इन इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें स्मॉल m और कैपिटल m को छोड़ के सभी चीजें सेम है। अगर आप यहां पे बोट का डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो यहां पे मैन के मास को मैन के डिस्प्लेसमेंट बोट के रिस्पेक्ट में जो है एल को कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम टोटल मास से डिवाइड किया गया है तो आप यहां पे इसको जनरलाइज कर सकते। इसी तरह से मैन के डिस्प्लेसमेंट को देखो तो अपोजिट डायरेक्शन में है और उसी फैक्टर को कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। राइट, यहां तक क्लियर, ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। ठीक है, अब इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग यहां पर जनरलाइज कर ले। इस ऑब्जर्वेशन को देखो हम लोग ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं, यह जाएगा डेल्टा एक्स बोट इक्वल टू स्मॉल एम मैन मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास। अगर मान लो कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो, अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो, सपोज ये प्लैंक है, इस प्लैंक में मान लो एक मैन ऐसे है, यहां पे दो मैन है, इसका मास है m1 m2 और ये डिस्प्लेस होता है इसके प्लैंक के रिस्पेक्ट में l1 और ये l2। तो अब प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट अगर आप यहां निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कैन बी रिटेन एज सिग्मा एम एल डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक है, आप यहां पे डायरेक्ट कर सकते हो सिग्मा एम एल डिवाइडेड बाई टोटल मास। देखो इसी टाइप से रिलेशन आएगा, एल क्या होगा उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। तो अगर आप इसको यूज करोगे तो इन सिचुएशंस को आप फास्ट एनालाइज कर लोगे और इनमें से कोई अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा हो तो आप प्लस के बजाय माइनस साइन लगा दोगे। राइट, यहां तक क्लियर। ठीक है, अब एक अभी इस क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं लेकिन इस पे बेस एक हम लोग यहां पे प्रैक्टिस भी कर लेते हैं एक क्वेश्चन की और, इलेवेंथ क्लास का ही क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस इसमें इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, आप जस्ट रिवीजन के लिए पुराना वाला पार्ट देख के लिखिएगा रिजल्ट। राइट, क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं, आप केवल क्वेश्चन पढ़िएगा, एससी वर्मा के दो तीन क्वेश्चंस ले रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा और डायरेक्ट उसके रिजल्ट्स देख के लिखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए और रिजल्ट लिखिए, अपनी कॉपी में रिजल्ट लिख लिए, लिख लिया क्या रिजल्ट है स्मॉल एम एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास अगर यहां पर जीरो होगा तो देखो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स दैट इज द हॉरिजॉन्टल कितना हमारे पास एल, मास क्या है इसका एम। तो अगर हमें कार्ड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो स्मॉल एम एल डिवाइडेड बाई टोटल मास करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा एम एल डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। आंसर आपके पास आ जाएगा एम एल
डिवाइडेड बाय ओके यहां तक क्लियर है. देखो यहां पे अगर बॉल का कहा जा रहा है, वैसे देखो आइडियल केस हो तो बॉल जो होगी वो परफेक्टली एक पार्टिकल होगी, अगर आइडियल केस हो, और जो फ्लोर ऑफ द कार्ट होगा वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा. तो बॉल अगर फॉल भी करेगी तो वर्टिकल फॉल करेगी, लेकिन यहां पर सिचुएशन ऐसी दी गई कि सेवरल कोलिजन हो रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट द आइडियल केस. बॉल जो है वो कैसी है, वो अनइवन टाइप की हो सकती है, पार्टिकल नहीं है, और जो फ्लोर है वो कहीं ना कहीं उसमें प्रोजेक्शंस होंगे, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में भी अगर मान लो कि इसकी रफ सरफेस है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी एंगल में उसको रिफ्लेक्शन मिल सकता है. इसलिए हम लोग यहां पे इस क्वेश्चन में लिख ही दिया था कि सेवरल कोलिजन हो रहे हैं, तो हम लोग यहां पे अज्यूम करेंगे कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि उस केस में ग्राउंड में हो सकता है कि थोड़ा सा रफनेस हो, उस वजह से ये पॉसिबल है. अगर कंप्लीट स्मूथ होता फ्लोर तो ये किसी केस में ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना. अच्छा अब इस केस को भी फास्ट लिखना, डायरेक्ट देखिए और रिजल्ट लिखिए. सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास की, इसलिए डायरेक्ट देखिए और यहां पे रिजल्ट लिखिए. एक एक सेक्शन से हम लोग आगे चलते हैं. हम लोग पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन वैसे कैलकुलेट करने वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. दिए भी गए क्वेश्चन आप उनको इग्नोर कर सकते हो बुकलेट में, वो डायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. डायरेक्ट रिजल्ट लिखने की कोशिश करिए, कितना है रेशो में बतलाइए, 2/15 करेक्ट. ठीक है, आपको ये मालूम है कि रिजल्ट क्या होता था, अगर मैनी पार्टिकल सिस्टम हो तो सिग्मा एम एल डिवाइडेड बाई सिग्मा एम. सिग्मा एम एल में अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एम एल की वैल्यू ज्यादा है, तो मिस्टर माथुर के एम एल की वैल्यू ज्यादा है. देखो कितना है, 60 × 2 = 120, और यहां पे 50 × 2 = 100. इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो बोट का मूवमेंट होगा दैट विल बी टुवर्ड द राइट साइड, क्योंकि आप देख रहे हो कि मिस्टर माथुर का लेफ्ट साइड में इफेक्टिव एमएल वैल्यू आ रही है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास 120 − 100 सिग्मा एमएल हो गया, 20 आ गया, और डिवाइडेड बाय टोटल मास 150, 20 / 150 2/15 मीटर. यहां तक क्लियर है, आगे चले हम लोग यहां पे. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की कंडीशंस को हमें ऐसे देखना होगा, दिस पार्ट इज ओके. तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2/15 मीटर. हम लोग यहां पे लिखेंगे इस वाले पार्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट इक्वल टू सिग्मा एम एल डिवाइडेड बाय सिग्मा मास. तो यह आ जाएगा 60 × 2 − 50 × 2 डिवाइडेड बाय 60 + 50 + 40 दैट इक्वल टू 20 / 150 इक्वल टू 2/15 मीटर, और किस तरफ हो जाएगा, टुवर्ड द राइट साइड. ओके बतलाइए, ठीक है ना. अब एक केस में और भी लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट का, पूरा हम लोग प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़ेंगे. डायरेक्ट लिख लीजिए कितना आना चाहिए इसका. देखो चेक करिए किस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल. सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था. अब ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स ना हो उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या हो जाएगा, बेस ऑफ द ट्रायंगल, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच कॉट थीटा. बेस ऑफ द ट्रायंगल होगा एच कॉट थीटा. अब हमें क्या करना होगा, कैपिटल एम का डिस्प्लेसमेंट चाहिए एक्स डायरेक्शन में, तो क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई एच कॉट थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम. तो अब हम लोग इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज
equal to small m multiplied by h cot theta divided by small m plus capital M. अब displacement of the center of mass से related आप questions solve कर लोगे, right? अब मैं displacement वाले part में नहीं चलता, ठीक है? यहाँ तक clear है? Displacement of the center of mass की problem solve कर लोगे. लेकिन अब यहाँ पे कुछ observation पे आ जाते हैं. अब मैं फिर इस question पे चलता हूँ. अब आप जो displacement तक तो आ गए, displacement तक तो हो गया ये वाला part. अब जरा एक्सलेशन के बारे में आप जल्दी से आंसर लिख लो. राइट डाउन द एक्सलेशन फास्ट. एक्सलेशन ऑफ द मैन एंड बोट, जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही रिलेशन वेलोसिटी का होगा. यहां देखो रिलेटिव एक्सलेशन कितना दिया हुआ है, ए, जिस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. अब डायरेक्ट लिख दो एक्सलेशन ऑफ द बोट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल a डिवाइडेड बाई टोटल मास. इसी तरह से एक्सलेशन ऑफ द मैन कितना आ जाएगा, कैपिटल m मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल a डिवाइडेड बाई टोटल मास. ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होगा वही वेलोसिटी का रिलेशन आएगा और वही हमारे पास एक्सलेशन का रिलेशन आएगा. तो आप यहां पे एक्सलेशन के लिए लिख सकते हो एक्सलेशन ऑफ द मैन इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. सॉल्व करना चाहो तो भी आपके पास सेम रिलेशन आएगा. सॉल्व भी वैसे ही करेंगे जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन को किया था. ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करने के बाद भी वैसे ही करेंगे जैसे डिस्प्लेसमेंट. एक्सलेशन ऑफ द मैन, अगर हमें एक्सलेशन ऑफ द मैन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन कैलकुलेट करना होता तो किसका मास हम लोग मल्टीप्लाई करते, कैपिटल एम का. तो अगर एक्सलेशन निकालना है तो किसका मास हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल एम का, राइट? और इसी तरह से बोट का कितना लिखेंगे, एक्सलेशन ऑफ द बोट यह आ जाएगा स्मॉल, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, बतलाओ ठीक है ना. और ये इसका साइन क्या होगा, माइनस, और इसका साइन प्लस, मतलब ठीक है ना. ये वाला सेक्शन कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं, एग्जैक्टली वही करोगे. आप क्या लिखोगे, ए सी एम इक्वल टू जीरो, वहां लिखते थे एक्ससीएम इक्वल टू जीरो, तो यहां लिखोगे ए सी एम इक्वल टू जीरो. अब क्या आ जाएगा, एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू इक्वल टू जीरो. फाइनल रिलेशन आपके पास डिस्प्लेसमेंट जैसा आएगा. यहां तक क्लियर है ना, ठीक है. चलो अब वेलोसिटी वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्ट में देखो मैं एक चीज आपको बतला दूं, यहां पे आप रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो जो गिवन डेटा है. गिवन डेटा में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सलेशन गिवन है. ठीक है, तो आपके पास उसकी आप वेलोसिटी फाइनल कैलकुलेट कर सकते हो. इनफैक्ट वेलोसिटी यहां पे एक्सलेशन है तो वेरी करेगी. तो इस वाले पार्ट में वेलोसिटीज ऑफ द मैन और बोट होगी वो किसका फंक्शन होगी, टाइम का फंक्शन होगी. समझ रहे हो ना, यहां पे ये जो पार्ट आएगा इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्योंकि अगर सिंपल वॉकिंग का केस होता विदाउट एक्सलेशन तो आप सीधे सीधे लिख लेते हैं जो भी रिलेटिव वेलोसिटी. कैसे लिखते कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. लेकिन यहां पे ऐसा नहीं करेंगे, यहां पे हम लोग के पास कैसा है, ये एक्सलेशन का केस है, वेलोसिटी चेंजिंग विद द टाइम. तो यहां पे वेलोसिटी के साथ रिलेशन आएगा टाइम का, इसको अलग से हम लोग देखेंगे. राइट, यहां तक क्लियर है? इसको अलग से सॉल्व करके देखना आप. लेकिन अब इस क्वेश्चन में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज है. इतना पार्ट तो कर लिया, लास्ट पार्ट आप अलग से करके देखना. मैं इसमें कुछ क्वेश्चन और भी पूछ रहा हूं. मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं उसे ध्यान से सुनना. मैंने आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम और वर्क एनर्जी थ्योरम का जब मैं सेक्शन आपको करा रहा था तो मैंने उस समय बतलाया था कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो उसकी वर्क डन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती थी,
और उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते थे फ्रिक्शन फोर्स म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और कैलकुलेट करने की आपको जरूरत भी नहीं, ठीक है। हमेशा हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते थे म्यू एन दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो रहा हो इनसाइड द सिस्टम। और स्टैटिक केस में फ्रिक्शन का वर्क क्या आता था, स्टैटिक फ्रिक्शन होता था तो टोटल वर्डन कितना था, जीरो, इन ऑल केसेस जीरो आता था, ठीक है ना, इन ऑल केसेस जीरो आता था। तो अब यहां पे आपके पास जो आंसर्स इसमें मिल गए थे, आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, देखो इस वाले सेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट ये कैलकुलेट किया, ये वाला सेक्शन आपने डिस्प्लेसमेंट्स का कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा अभी हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था, ठीक है। आपने एक्सेलेरेशंस कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब मुझे यहां पे एक सेक्शन बतलाइए कि कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन एंड बोट एंड इंडिकेट द डायरेक्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्योंकि मैन वॉक कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन वॉक नहीं कर सकता था, और ये स्लाइड नहीं कर रहा है फ्रिक्शन के उसमें, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहां पे म्यू की भी जरूरत नहीं है आपको देने की, इसलिए आपको यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी। इसी क्वेश्चन के जो 12th क्वेश्चन है इसका, उसमें ये वैल्यूज पूछी गई थी। देखो लिखा हुआ है इफ मैन डज नॉट स्लाइड रिलेटिव टू द बोट फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। आपने एक्सेलेरेशंस कैलकुलेट कर लिए थे, मैं यहां पे बतलाता हूं कि एक्सेलेरेशन ऑफ द कैपिटल एम आ गया था, मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूं यहां पे, ये आ गया था स्मॉल एम ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल एम ये आ गया था हमारे पास कैपिटल एम ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये आ गया था। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो फ्री बॉडी डायग्राम आपने ड्रॉ किया होगा, मैन के फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होनी चाहिए, फॉरवर्ड, मतलब जिस तरफ वो मूव कर रहा है ये फ्रिक्शन होगा। और प्लैंक में या बोट में फ्रिक्शन की डायरेक्शन होनी चाहिए राइट साइड में, और दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, राइट। तो अगर हम लोग यहां पे फ्रिक्शन चाहे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें चाहे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें दोनों सेम आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर मैन का कैलकुलेट करोगे तो आप यहां लिखोगे स्मॉल एफ इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेरेशन, तो अब इस वैल्यू को स्मॉल एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस वैल्यू को स्मॉल एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और यही वैल्यू आपके पास ही आएगी अगर आप यहां पे भी कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर दो इस रिलेशन को, इस रिलेशन को अगर आप कैपिटल एम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम वैल्यू आएगी, ये भी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम ए कैपिटल एम स्मॉल एम ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। देख रहे हो कि ये दोनों वैल्यू सेम आएगी क्योंकि फ्रिक्शन ऑब्वियसली पेयर में होता है, तो फ्रिक्शन का वर्डन भी हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो। अब मैं जरा डिस्प्लेसमेंट जो कैलकुलेट किया हुआ था वो लिखता हूं वैल्यू। अब मैन का डिस्प्लेसमेंट और बोट का डिस्प्लेसमेंट मैं लिखता हूं, देखना। मैन का डिस्प्लेसमेंट आपके पास आया था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन डेल्टा एक्स एम, कितना आया था ये, कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और किस तरफ था, टुवर्ड द लेफ्ट। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट आया था, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट आया था हमारे पास एम एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ये आया था इस तरफ। और अब मैं दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम भी यहां पे बना देता हूं। देखो ये मैन का फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन लगा हुआ था ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट भी था इस तरफ, और बोट का डिस्प्ले फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने फ्रिक्शन ये लगाया था
और फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोर्ड था डेल्टा एक्स एम ये। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन का वर्डन दोनों केस में पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि हम लोग कहते हैं कि वर्डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स जो वॉकिंग के केस में होता है वो जीरो होता है। यहां पे ये क्यों डिफरेंस आ रहा है ये बतलाइए, आपको ये एनालाइज करना है। समझ में आ गया ना? ठीक है, दिस पार्ट इज ओके, मेरी बात समझ में आ गई कि वॉकिंग के केस में या स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में नेट वर्डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ऐसा होता है ना? जीरो, ठीक है, नेट वर्डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज जीरो इन केस ऑफ द वॉकिंग, वॉकिंग के केस में हमेशा जीरो होता है। लेकिन यहां पे भी तो मैन वॉक कर रहा है, ठीक है, और यहां पे आप अगर कैलकुलेट भी ना करो तो भी बतला दोगे कि जो डिस्प्लेसमेंट और ये ऐसे लगाया हुआ है मैंने, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो इस एरो के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो नॉन जीरो आ रही है। यहां पे वो स्टेटमेंट में गलती है या यहां पे कोई गलती है, ये एनालाइज करके आपको लिखना है कॉपी में। हाँ, फ्रिक्शन में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यहां पे चेक करो तो भी तो नॉन जीरो आएगा, लेकिन स्टैटिक के केस में तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कोई कभी भी होता ही नहीं था, लेकिन यहां पे कैसे आ रहा है? हाँ, यस, देखो आपके पास अगर ध्यान से देखो यही थ्योरी का पार्ट है, इनफैक्ट यहां से जो आप आइडेंटिफाई करोगे वही थ्योरी है। रियल थ्योरी का मतलब होता है स्टेटमेंट नहीं कि आप स्टेटमेंट याद कर लो, अप्लाइड थ्योरी जो होती है वही थ्योरी होती है। देखो जब आप प्लैंक में चल रहे हो तो वर्डन की डेफिनेशन होती है फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो आप जब वॉक कर रहे होते हो प्लैंक में या किसी ग्राउंड में, तो किसी इंस्टेंट में एक पैर आपका ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में होता है, दूसरा एयर में, जब भी वॉक कर रहे होते हो। लेकिन जिस समय आपके पास ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है वहां फ्रिक्शन तो आगे लग रहा है, लेकिन उस समय प्लैंक के साथ आपका पैर पीछे जा रहा होगा। ट्रेडमिल में भी यही होता है, ट्रेडमिल में भी यही होता है, ठीक है। आप जिस समय वॉक कर रहे होते हो उसमें प्लैंक में, उस मोमेंट में आपका पैर जो होगा वो पीछे जाएगा, तो इसका मतलब पैर उस समय जो पीछे जाएगा तो उस समय का वर्डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर एक छोटे छोटे स्टेप का वर्डन का सम करना पड़ेगा फ्रिक्शन के केस में। तो उस केस में जितना डिस्प्लेसमेंट प्लैंक का होगा वही डिस्प्लेसमेंट मैन का होगा जिस समय फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैन के फ्रिक्शन फोर्स का वर्डन नेगेटिव होगा और प्लैंक के फ्रिक्शन फोर्स का वर्डन पॉजिटिव होगा, और दोनों वैल्यू क्या होंगी? इक्वल और अपोजिट होंगी। तो नेट वर्डन कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है, ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर है। फिर से हम लोग यहां पे एक सिचुएशन करते हैं। अब ये तो आ गया फ्रिक्शन फोर्स आ गया, तो वर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन मैन एंड बोट। अब जरा कैलकुलेट करो वर्डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन मैन और बोट। अब देखो बोट में तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कह सकते हो लग रहा था, ठीक है ना, मैन में जो बोट में जो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लग रहा था, मैन का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा होगा वो अलग था। देखो हमेशा कोई ना कोई पैर मैन का जो है बोट में रहा होगा, तो आप देखेंगे कि बोट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो आप सीधे सीधे यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पे जो मैन का डिस्प्लेसमेंट है आप वही लोगे मैन का डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट किया, लेकिन फ्रिक्शन के लिए वो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। हम लोग को बोट में फ्रिक्शन का वर्डन अगर कैलकुलेट करना होगा तो फिर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है, बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, लेकिन नेट वर्डन की वैल्यू आप यहां पर क्या लिखोगे? दैट विल बी जीरो, ठीक है। और अगर हमें वैल्यू अगर बोट में कैलकुलेट करनी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और इतना ही वर्डन फ्रिक्शन फोर्स का होगा मैन के ऊपर, राइट? समझ में आ गया ना? जो क्योंकि बोट में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगा रहेगा, जिस समय फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा उसी तरह में बोट का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, इसलिए अगर हम लोग सभी डिस्प्लेसमेंट का सम कर दें तो वही आ जाएगा जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है। इसलिए बोट का डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन फोर्स का वर्डन फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय
displacement of the board. Or man ka work done by the friction force, itni hi negative value aajayegi. Or total sum value kitna aayega? Zero aayega. Ye value baat samajh mein aagi? Theek hai? Ye to aagya. Lekin aap yahan pe check karo. Chalo friction ne zero work kar diya. Pura system lo, external force nahi hai. Friction ne work done zero kar diya. Lekin yahan pe dono ki kinetic energy to change ho rahi hai. मैन की भी और प्लैंक की भी या बोट की भी. अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज हो रही है. ये कौन चेंज कर रहा है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द मैन. मैन यहां पे जो वर्क कर रहा है वो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को चेंज कर रहा है. ठीक है, वर्क डन बाय द मैन तो आ जाएगा. अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर आपको कैलकुलेट इसमें कैलकुलेट करना है या आपसे पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन, तो आंसर क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, क्योंकि इंटरनल फोर्स कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी. दो चार्ज आप ले लो, किसी डिस्टेंस पे रख दो, वो पॉजिटिव और निगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी. तो यहां पे जो आपको मैंने एक पार्ट छोड़ा हुआ था वेलोसिटीज कैलकुलेट करने के लिए, उन वेलोसिटीज को कैलकुलेट करके आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेना. इनिशियल तो जीरो थी, जो भी फाइनल होगी दैट विल बी द चेंज. तो दैट विल बी वर्क डन बाय द मैन हो जाएगा. यहां तक क्लियर है? ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चल सकते हैं इस वाले पार्ट में. तो अब यहां पे इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट के केसेस हम लोग कर लेंगे. या डिस्प्लेसमेंट में कोई भी की पॉइंट होगा, थियोरेटिकल कोई अंडरस्टैंडिंग वाली केसेस होगी तो भी हम लोग कर लेंगे. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहां पे थोड़ा सा एक्सलेशन या डिस्प्लेसमेंट थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं जहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगे हो. अभी हम लोगों ने वो कैलकुलेट किया है जहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे हुए थे. अब हम लोग एक कैलकुलेशन कर लेते हैं जहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस लगे होते हैं. मैं एक क्वेश्चन बतलाता हूं जो 11th का, जो हम पहले से जानते हैं, प्लस वन का ही क्वेश्चन है. इसके थ्रू पहले मैं रिवाइज कराता हूं, बाद में आपके बुकलेट में क्वेश्चन दिया होगा. जब भी आपको टाइम मिले तो आप क्वेश्चन नंबर ऐसा दिया हुआ है, ये आपके बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 5 है इस टाइप का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप का है. क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इस टाइप के क्वेश्चन है. ये तब आप करिएगा जब आपको जब भी टाइम मिले. मैं यहां पे एक क्वेश्चन करा देता हूं, बल्कि दो क्वेश्चन इस टाइप के करा देता हूं जो इस असाइनमेंट में नहीं दिए हुए, आप यही कर लीजिएगा. और ये रिमेनिंग 3 क्वेश्चन जब भी आपको टाइम मिले तब करना. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए. ए पुली फिक्स टू द रिजिड सपोर्ट कैरीज ए रोप हुज वन एंड इज टाइड टू द लैडर विद ए मैन एंड अदर एंड द काउंटर वेट ऑफ द मास कैपिटल एम. इसका मतलब क्या हुआ कि मैन और लैडर का मास भी कैपिटल एम होना चाहिए. काउंटर वेट लिखा हुआ है तो इधर पे दोनों का मैन कैपिटल एम होना चाहिए. इसका मतलब लैडर का मास हो जाएगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम. ठीक है, यहां तक क्लियर है? द मैन ऑफ मास स्मॉल एम क्लाइम्स अप ए डिस्टेंस एल विद रिस्पेक्ट टू द लैडर देन स्टॉप्स. इफ द रोप एंड फ्रिक्शन इन द पुली एक्सिस इज निग्लिजिबल. फ्रिक्शन नहीं है और कोई भी हमारे पास यहां पे रोप की भी प्रॉपर्टी आइडियल प्रॉपर्टी है. राइट, ये सभी चीजें आइडियल केस में दी गई है. तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एस डेस ऑफ द सेंटर ऑफ एनर्जिया ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. तो पहली चीज तो यह है कि यहां पर हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि इस केस में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा. सबसे पहले सिस्टम को आप एनालाइज करो. ये सिस्टम है, सिस्टम में हम लोगों ने क्या ले लिया है? ये मैन लिया हुआ है, लैडर लिया हुआ है, पुली ले ली है और ये हम लोगों ने ब्लॉक ले लिया है. पुली के बारे में कुछ भी ना कहा जाए तो आइडियल दैट इज मासलेस लेते हैं. ठीक है, रोप भी हमारे पास मासलेस है. तो इस पूरे सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो एक्सटर्नल फोर्स आपके पास वेट लग रहा होगा
और ये ऊपर स्ट्रिंग कनेक्टेड है किससे, ऊपर रूफ से, तो यहां पे टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा होगा, तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि फोर्सेस लग रहे होंगे इस तरह से, इसमें जो फोर्सेस लग रहे होंगे ये लग रहे होंगे एक ये टेंशन वाला फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये लग रहा होगा इसका टोटल वेट, ये सपोज टी डैश लिख दिया मैंने, और ये हमारे पास टोटल मास कितना हो रहा होगा, कैपिटल एम प्लस कैपिटल एम, टू एम लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है 2mg। और अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो T डैश इक्वल टू 2mg होगा, इसका मतलब सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स यहां जीरो है तो सेंटर ऑफ मास मूव क्यों करेगा, मेन इंटरनल है, ठीक है, मैन हमारे पास इंटरनल है, हम लोग यहां पे कैसे इस चीज को कहेंगे, किस तरह से, देखो जिस समय मैन लैडर में ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो एक इंपल्स क्रिएट करता है शॉर्ट ड्यूरेशन में, जब भी जा रहा होगा तो नीचे की तरफ वो इंपल्स मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स लगाता है, इंपल्स अगर लगाएगा तो ये टेंशन चेंज हो जाएगा, टेंशन लैडर और इसमें पुली से कनेक्टिंग स्ट्रिंग जो है उसमें टेंशन चेंज हो जाएगा, अभी टेंशन की वैल्यू इक्विलिब्रियम में कैपिटल एमजी है, और इंपल्स कैन चेंज द, आपको मालूम है कि फोर्स दो तरीके से हम लोग कहते हैं, रियल फोर्स जो हम लोग देखते हैं, दूसरे इंपल्सिव फोर्स, अगर आप किसी वेइंग मशीन में जंप कर जाओ तो वेट बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, इसका मतलब वो आपके पास इंपल्सिव फोर्स होते हैं, इंपल्सिव फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स होते हैं। अब यहां पे इंपल्स जरूर पेयर में है लेकिन इस इंपल्स का ट्रांसमिशन जो है ऊपर तक हो जाएगा, जिस ड्यूरेशन में उसने इंपल्स लगाई हुई है उस ड्यूरेशन में इंपल्स जो होगी वो इस स्ट्रिंग के थ्रू ऊपर तक जाएगी, एक्सटर्नल से इंटरेक्ट कर लेगी, और अगर इंपल्स अगर एक्सटर्नल से इंपल्स इंटरेक्ट कर लेती है तो एडिशनल फोर्स सिस्टम में देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो टेंशन है, इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो कैपिटल एमजी के बराबर नहीं होगा, कुछ और चेंज हो जाएगा, इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है ये वाला जो टेंशन, अब ये टेंशन आपके पास हो जाएगा कुछ T1 हो गया, अब T1 विल बी ग्रेटर देन कैपिटल एमजी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सेंटर ऑफ मास को ऊपर उठाने के लिए एक फोर्स मिल जाएगा, ठीक है, हम भी अगर हम लोग भी अगर मान लो मूव करना चाहते हैं अगर ग्रेविटेशन फ्री स्पेस में तो इंपल्स यूज करते हैं, कोई सपोर्ट से हम लोग उधर पे पुश करते हैं और फिर इंपल्स यूज करते हैं, ऐसे यहां पे इंपल्स उसने जनरेट की, ये एक्सटर्नल उससे एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर रही थी इसलिए इसने फोर्स भी चेंज कर दिया, तो यहां पे टेंशन T1 विल बी ग्रेटर देन कैपिटल एमजी। तब ये वाला जो टेंशन है ये भी चेंज हो जाएगा, ये T डबल डैश हो जाएगा और T डबल डैश विल बी ग्रेटर देन 2mg। अब इस सिस्टम में अपवर्ड डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स आने लगेगा क्योंकि अब T डबल डैश इज ग्रेटर देन 2mg और ग्रेविटी फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, रियल फोर्स है, तो इसमें इस सिस्टम में अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स आने लगेगा, सम एक्सटर्नल फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स द सेंटर ऑफ मास विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यहां तक क्लियर है, तो सेंटर ऑफ मास यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स वाली बात आ गई। अब यहां पे फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करिए आप, अगर सॉल्व कर लिया तो कितना आंसर है, स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई l डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कैपिटल m, ये आंसर सही है।
और इस आंसर को देखो हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे. देखो इस डायग्राम में देखना, आपको ये मालूम है कि इस डायग्राम में पुली और काउंटरवेट सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. जितना ये पुली मूव करेगी वाई, उतना लैडर मूव करेगी. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली अगर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द काउंटरवेट है ये कैपिटल एम, अगर वाई है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैडर विल बी वाई डाउनवर्ड. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल माइनस वाई. आप लिख लोगे ना? ठीक है, ये सबसे पहले आपने डिस्प्लेसमेंट लिख लिया. देखो ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा वाई काउंटरवेट, ये है आपके पास डेल्टा वाई लैडर. ठीक है, और अगर हम लोग वेक्टर के साथ देखें तो ये माइनस होगा. ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई मैन. ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वेक्टर क्वांटिटीज हम लोग यहां पे देखते हैं. तो अब हम लोग यहां पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वाई डायरेक्शन में होगा तो डेल्टा वाई सी एम इक्वल टू ये वन, लैडर को टू, मैन को थ्री. ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे M1 डेल्टा Y1 प्लस M2 डेल्टा Y2 प्लस M3 डेल्टा Y3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3. ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी कैपिटल M मल्टीप्लिकेशन Y प्लस लैडर का मास है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम और डिस्प्लेसमेंट है माइनस वाई, और मैन का मास है स्मॉल एम, डिस्प्लेसमेंट है एल माइनस वाई, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है टू एम. अब ऊपर वाई यहां पे कैंसिल हो जाएगा, अगर वाई कैंसिल हो जाएगा तो कितना रिलेशन आ जाएगा, यह आ जाएगा एम एल डिवाइडेड बाई टू एम. ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक चेक कर लिया? अगर कहीं पे भी आपने सॉल्व करते समय किसी स्टेप में कंफ्यूजन हो तो चेक कर लीजिए और यहां तक रिवाइज कर लीजिए. ठीक है ना, पूरे स्टेप को चेक करके रिवाइज कर लीजिए और यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब इस पार्ट का सेकंड सेक्शन देखते हैं, इस क्वेश्चन का. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैडर अप टू दैट इंस्टेंट. अब आपको ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लैडर कैलकुलेट करना, अप टू दैट इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जिस समय मैन एल मूव कर रहा है लैडर के रिस्पेक्ट में, तो लैडर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये कैलकुलेट करना है आपको. अपने आप कैलकुलेट करो. देखो चेक करना आप यहां पे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन केवल एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर गवर्न होता है. इंटरनल फोर्सेस का वहां पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता. और सेंटर ऑफ मास के केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास में सिस्टम को डिफाइन करते हैं टोटल मास. देखो सिग्मा एम आ जाता था टोटल. अंदर उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है. हमें सबसे पहले सिस्टम डिफाइन करना होता है, देखना होता है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है. अगर एक्सटर्नल फोर्स सेम है, मासेस सेम है, तो सिस्टम सेम होगा. अगर सिस्टम सेम है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास सेम होगा. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास सेम है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल आल्सो बी सेम. ठीक है, अब जो नेक्स्ट लाइन है उसे ध्यान से सुनना. मैंने यहां पे सिस्टम ले लिया काउंटर वेट. अब लैडर आपको अलग डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसलिए अब हमें लैडर और काउंटर वेट को अलग अलग करना पड़ेगा. तो लैडर मैंने देखो अलग कर दिया, काउंटर वेट और मैन को मैंने अलग कर दिया. मैन को एफोल्ड कर सकते हैं सिस्टम के अंदर रखना, क्योंकि लैडर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. आप लैडर के डिस्प्लेसमेंट में मैन को आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो.
ठीक है। अब हम लोग यहां पे सिस्टम को एनालाइज कर लें, ये सिस्टम वन और ये सिस्टम टू। सिस्टम वन ठीक है, सिस्टम वन है काउंटरवेट, ठीक है। देखो काउंटरवेट का मास क्या है, एम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द काउंटरवेट हम लोगों ने क्या लिया था, वाई। तो डिस्प्लेसमेंट वाई अपवर्ड, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस आपके पास क्या हो जाएंगे, टी माइनस कैपिटल एम जी, मतलब ठीक है ना, टी ऊपर होगा और कैपिटल एम जी नीचे होगा, ठीक है। मतलब यहां तक क्लियर है, ये वाली बात अच्छे से क्लियर है। अच्छा काउंटर वेट में केवल एक पार्ट के लिए, एक ऑब्जेक्ट है, तो जो डिस्प्लेसमेंट काउंटर वेट का होगा वही डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास ऑफ द काउंटर वेट का होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द काउंटर वेट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम वन, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इक्वल टू वाई अपवर्ड, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अब हम लोग सिस्टम टू को एनालाइज करें, अब सिस्टम टू ले लेते हैं। सिस्टम टू ये है मैन प्लस लैडर, ठीक है। पहले मास सेम, कितना है मास आपके पास, कैपिटल एम लिखा हुआ था तो मैं कैपिटल एम यहां पे भी लिख देता हूं, कैपिटल एम ये था राइट, काउंटर वेट था क्योंकि ये। अब यहां पे एक्सटर्नल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हम लोग नहीं कह सकते यहां पे, क्योंकि लैडर का डिस्प्लेसमेंट अलग है, मैन का डिस्प्लेसमेंट अलग है, इसलिए मैंने एक्सटर्नल फोर्स लिख देता हूं, एक्सटर्नल फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए अगर आप चेक करो तो टेंशन तो ऊपर लग रहा है, ये भी टेंशन टी होगा, सेम स्ट्रिंग है, आइडियल केस है, और यहां पे नीचे की तरफ इस पूरे सिस्टम का मास कैपिटल एम जी आएगा, ठीक है ना, और टी की वैल्यू कैपिटल एम जी से ज्यादा होगी, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, टी माइनस कैपिटल एम जी। अब जरा सिस्टम वन और सिस्टम टू को एनालाइज करो, सिस्टम टू सिस्टम वन का मास कैपिटल एम, एक्सटर्नल फोर्स सेम, इसका भी मास कैपिटल एम, एक्सटर्नल फोर्स इज आल्सो सेम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम वन एंड सिस्टम टू शुड बी सेम। यहां तक क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम वन एंड सिस्टम टू शुड बी सेम, व्हाई, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्सेज आर सेम, टोटल मास इज आप देख रहे हो कि इसका भी कैपिटल एम है और इसका भी कैपिटल एम है, तो टोटल मास इज आल्सो सेम, तो आप यहां पे कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल। तो आप यहां पे फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम शुड ऑल्सो भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई अपवर्ड, मतलब ठीक है, क्योंकि वाई हम लोगों ने क्या लिया हुआ था, इसका डिस्प्लेसमेंट लिया था, किसका हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिया था, काउंटर वेट का। तो अब ये वाली बात अच्छे से क्लियर है कि मासेस सेम है, एक्सटर्नल फोर्स सेम है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होना चाहिए, राइट। यहां तक अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहां पर ये तो एनालाइज कर चुके हैं कि मैन और लैडर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वाई अपवर्ड मूव करना चाहिए, और इस सिस्टम के अंदर देखें तो लैडर को वाई डाउनवर्ड मूव करना चाहिए और मैन को एल माइनस वाई अपवर्ड मूव करना चाहिए इस सिस्टम के अंदर, राइट। तो अब हम लोग सिस्टम ले लेते हैं केवल मैन और लैडर। अब सिस्टम टू को एनालाइज करते हैं, सिस्टम टू
मैन एंड लेडर, ठीक है, सिस्टम टू इज मैन एंड लेडर। तो अब ये सिस्टम हमारे पास टारगेट है, ये सिस्टम हमारे पास टारगेटेड सिस्टम है, राइट। इस सिस्टम में ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, ये कैपिटल एमजी जैसे हम लोगों ने वहां पे बनाया हुआ था यहां पे भी लिख लेते हैं, ये हमारे पास है ठीक है, ये कैपिटल एमजी। और हम लोगों को ये मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास डेल्टा वाई सी एम शुड बी इक्वल टू वाई, राइट। ये अब इस चीज को आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो लैडर का डिस्प्लेसमेंट है y डाउनवर्ड और मैन का डिस्प्लेसमेंट है l माइनस वाई अपवर्ड। तो यहां पे लिख देते हैं y और मैन के सामने लिख देते हैं l माइनस वाई, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, दैट इज द मास ऑफ द लैडर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई लैडर डिवाइडेड बाय टोटल मास, कितना है कैपिटल एम। अब वाई सी एम क्या है, वाई के बराबर, इसलिए वाई लिख दिया। अब यहां पे कितना आ जाएगा, एम मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इज एल माइनस वाई, और ये आपके पास हो गया कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम मल्टीप्लीकेशन डेल्टा वाई लैडर हमारे पास कितना है माइनस वाई और डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। अब जरा वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वाई नाउ कैन बी कैलकुलेटेड, कितना वाई आ रहा है, ये वही आ रहा है, सेम आ रहा है, कितना एम एल डिवाइडेड बाई टू एम, ओके यहां तक क्लियर है। अब सिचुएशन यहां पे डिस्प्लेसमेंट की हो गई, अब वेलोसिटी की सिचुएशन का मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब हम लोग यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली कंडीशन पे चलते हैं, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कंडीशन के पहले मैं यहां पे सेंटर ऑफ मास में थोड़ा सा और वर्क करना चाहता हूं। आप यहां पे एक एक छोटे छोटे पार्ट है, साथ साथ जल्दी से इसको लिखते चलिएगा। मान लो कि सपोज यू आर हैविंग द टू पार्टिकल्स एम वन and it is having the velocity v1, it is having mass m2, velocity v2, ठीक है। ये दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, masses are m1 m2, ठीक है। सेंटर ऑफ मास यहां कहीं बीच में होगा, ठीक है। पूरे स्टेप्स साथ साथ फास्ट करते चलते हैं। vcm कितना हो जाएगा, अपनी कॉपी में लिखिए, एम वन वी वन डिवाइडेड बाई, ओके यहां तक क्लियर है। अब मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूं वो क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करेगा, इसलिए मैं कहता हूं उस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से लिखना। आसान पार्ट है लेकिन रिपीटेशंस थोड़े से होंगे, लेकिन एक थ्योरी का पार्ट डेवलप होगा। यहां पर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल फर्स्ट ये फर्स्ट पार्टिकल है, दिस इज द सेकेंड पार्टिकल, पार्टिकल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, P1, देखो यू कैन राइट दिस वैल्यू एज वैक्टर ऑल्सो, तो P1 सेंटर ऑफ मास कितना लिखोगे, मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो V1 माइनस VCM। अब मुझे कैलकुलेट करके ये बतला दीजिए,
क्या वैल्यू आ रही है जरा कैलकुलेट कर लीजिए, जरूरी है कैलकुलेट करना क्योंकि आपको बाद में ये वाली सिचुएशन डायरेक्ट यूज करनी है, इसलिए कैलकुलेशन करना जरूरी है, अदरवाइज आप वो फॉर्मूले जैसा ट्रीट करने लगोगे उस सिचुएशन को। लिख लिया कितनी वैल्यू आई, देखो मैं लिख रहा हूं जरा चेक करना, M1 M2 आनी चाहिए डिवाइडेड बाई, और यहां पे आना चाहिए V1 माइनस V2। कैलकुलेट करके देख लो आप एक बार, कैलकुलेट करना, जो मैं कंडीशन बता रहा हूं बहुत जरूरी है। अगर इन स्टेप्स पे चलोगे तो जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास की कंडीशन को देख के बतलाया, आप यहां पे वर्क पावर एनर्जी के बहुत सारे क्वेश्चन देख के टिक कर दोगे, इसलिए इन सेक्शन को जो मैं कह रहा हूं पहले आप कर लो। अब इसे ध्यान से देखो, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं सॉलिड फॉर्म में रिड्यूस मास लिख सकता हूं, और रिड्यूस मास को मैं यहां पे म्यू सिंबल से, ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं है, म्यू इज द रिड्यूस मास, और ये क्या हो जाएगा, वी रिलेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पी वन सी एम। ठीक है, अब देख रहे हो कि ये सिचुएशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी सिचुएशन आ गई, आप इसको याद रखना एकदम आसान है। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिड्यूस मास मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी, जिसका भी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लीनियर मोमेंटम निकालोगे तो रिड्यूस मास मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। यहां तक क्लियर है, दिस पार्ट इज ओके, रिड्यूस मास मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी लिख दिया। म्यू की वैल्यू हम लोग यहां पे, म्यू इज द रिड्यूस मास, दिस इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, अब मुझे ये कैलकुलेट करके बतलाइए कि लीनियर मोमेंटम ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, नाउ कैलकुलेट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू या जाएगा M2 मल्टीप्लीकेशन V2 माइनस VCM। सेमेट्री से भी आप देख के बतला सकते हो कि क्या रिलेशन आना चाहिए। ये रिलेशन सेमेट्री से आप चेक कर सकते हो क्योंकि वहां पे V1 माइनस VCM था और फर्स्ट पार्ट में M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 था, तो यहां पे भी M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 होगा, और वहां पे V1 माइनस V2 था तो यहां पे क्या होना चाहिए, V2 माइनस V1। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल है। देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी जो मैंने लिखी हुई है, ये V रिलेटिव जो लिखा हुआ है, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड है, तो आप यहां पर V रिलेटिव डेस लिख दो। ठीक है, ये आ गया P2 CM। ठीक है, देखो हर जगह आपके पास यही रिलेशन आ रहा है और आपको ये मालूम है कि VCM V रिलेटिव इक्वल टू माइनस V रिलेटिव डैश। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पे समेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल सिस्टम एज सीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। हमें कई केसेस में कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास से देखें। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, कि हम लोग लीनियर मोमेंटम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे और हम लोग ये सिचुएशन टू पार्टिकल सिस्टम में यूज कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा आएगा जिसमें या तो दो पार्टिकल होंगे स्प्रिंग से कनेक्टेड होंगे, एक ब्लॉक होगा, एक प्लैंक होगा, एक मैन होगा, प्लैंक होगा, वेज और प्लैंक टाइप की कंडीशन होगी, इस टाइप की कोई भी कंडीशन दो पार्ट की होगी, उन पार्ट को एक सिंगल पार्टिकल में चेंज कर देंगे, दैट इज अ रिड्यूस मास। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया।
अब यहां पे मैं फिर से एक चीज आपको कैलकुलेट करने के लिए देता हूं, जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आइडिया को ही चेंज कर देगी बाद में, जहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कई प्रॉब्लम्स को। अब मैं फिर लिखता हूं इसी डायग्राम में, सेम डायग्राम, पार्टिकल वन एम वन वी वन, पार्टिकल टू एम टू वी टू, ठीक है, ये पार्टिकल वन और पार्टिकल टू हैं। बीच में आपको मालूम है सेंटर ऑफ मास इसका कहीं मिडिल में कहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में भी जानते हो। अब मैं लिखता हूं यहां पे, राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये पूरा एक बार जरूर कैलकुलेट करिए, जैसे लीनियर मोमेंटम आपने कैलकुलेट किया, एक बार कैलकुलेट करना जरूरी है। तो आपको कभी भी फॉर्मूले जैसा याद रखना नहीं पड़ेगा, आपको मालूम होगा कि ये कंडीशन ऐसी होती है, तो आप उसे कभी भी डायरेक्ट यूज कर लोगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं हेजिटेशन रहता है। फॉर्मूले डायरेक्ट करने में हमेशा हेजिटेशन रहता है कि, और वो भूल भी जाते हैं फॉर्मूले। पूरा पूरे स्टेप्स कैलकुलेट करना, देखो सभी लोग, क्योंकि शॉर्टकट में अगर आप स्लो हो गए तो वो तो लॉन्ग कट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट में स्लो मत होना, शॉर्टकट में डेवलप कर रहा हूं इसको ही धीमे धीमे करोगे तो बराबर होगा। सॉल्व कर लिया? नहीं, अभी प्रॉपर सॉल्व नहीं किया हुआ है। सॉल्व कर लिया? कितना आ रहा है? हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, ये भी आपके पास आ जाएगा, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। देखो आप यहां लिखोगे के विद के ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इक्वल टू वन बाय टू एम वन मल्टीप्लीकेशन वी वन माइनस वी सी एम, राइट, प्लस वन बाय टू एम टू वी टू माइनस वी सी एम होल स्क्वायर। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू मुझे बतलाई हुई है, ये आ रही है एम वन एम टू डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और ये आ जाएगी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हो 1 बाय 2 म्यू V रिलेटिव स्क्वायर। राइट, यहां तक क्लियर है? अब हमारे पास नई सिचुएशन तैयार हो गई है, लीनियर मोमेंटम भी देख लिया है, काइनेटिक एनर्जी भी देख लिया है, वर्डन के बारे में अब हम लोग एंटर करते हैं, वर्डन वाले सेक्शन को चेंज करने में। ग्राउंड फ्रेम से अब हम लोग सेंटर ऑफ मास कंडीशन में एनालाइज कर चुके हैं, सिचुएशन एकदम आसान है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर है? अब यहां पे मैं यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम को चेंज करता हूं सेंटर ऑफ मास वाली कंडीशन में, ठीक है। अब मैं
वर्क एनर्जी वाले थ्योरम को चेंज करता हूं सेंटर ऑफ मास कंडीशन में, लेकिन पहले मैं केवल काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा आपको बतलाऊं कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ नए तरीके से कैसे सोचेंगे। देखो हम लोग यहां पे लिख दें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। हम लोग नॉर्मली फॉर्मूला लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर सिंगल पार्टिकल के लिए, और बाद में जब हम लोग सॉल्व भी करते रहे हैं हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टिकल की तरह से ट्रीट किया हुआ है, सेंटर ऑफ मास की तरह से ट्रीट नहीं किया हुआ है इसे काइनेटिक एनर्जी को। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो आपको मालूम है कि इंटरनल फोर्सेज आल्सो कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्सटर्नल। एक तो इंटरनल फोर्स की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि उसका अकाउंट सिंगल पार्ट के लिए तो इंटरनल फोर्स था ही नहीं, तो हम लोग उस वाले पार्ट को सोचते भी कैसे। अब हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्ट के लिए तो इंट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स, अगर इंट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में सोचना भी पड़ेगा। तो हम लोग यहां पे काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस, और इंटरनल फोर्सेस कहां से अच्छे तरीके से एनालाइज किए जा सकते हैं, सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास से हम लोग इंटरनल फोर्सेस को देख सकते हैं। तो हम लोग यहां पे अपनी इंटरनल एनर्जी को लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी with respect to the center of mass, kinetic energy of the system with respect to the center of mass plus kinetic energy of the center of mass with respect to the ground. So we can write here the kinetic energy, total kinetic energy of system of particles के टोटल इक्वल टू के इंटरनल प्लस के एक्सटर्नल। मैंने के एक्सटर्नल इसलिए लिखा कि एक्सटर्नल फोर्स ही सेंटर ऑफ मास की नेट काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं, राइट। इंटरनल फोर्सेस को सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखा जा सकता है। तो यहां लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम with respect to center of mass plus kinetic energy of the center of mass, obviously this will be with respect to the ground, तो ये आपके पास आ जाएगा k total। right? यहां तक हम लोगों ने center of mass में अपनी physics को change कर लिया। अब बची है work energy theorem, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम में हम लोग इंटरनल फोर्सेस देख नहीं पाते। तो अब हम लोग यहां पे लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को, पहले पार्ट सिंगल पार्टिकल के लिए। वी राइट वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू टोटल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हम लोग पार्टिकल के लिए सिस्टम के लिए भी यूज कर लेते थे, लेकिन सबको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखते थे। वहां पे हमारे पास कैलकुलेशन कई केसेस में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता था, मैं आपको बतलाऊंगा कि कैलकुलेशन का क्यों ज्यादा हो जाता था, ठीक है। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू टोटल को डब्ल्यू इंटरनल प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा के सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस डेल्टा के सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं और बहुत सिंप्लीफाई कर देगा ये,
ठीक है, ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला होगा बाद में, ये आपको प्रॉब्लम्स बहुत सिंपलीफाई करेगा। तो आपके पास हो गया W टोटल इक्वल टू डेल्टा के सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसलिए लिख रहा हूं कि ये बहुत यूजफुल होगा। दोबारा इस वाले पार्ट को मैंने लिख दिया, राइट। अब देखो, अब आते हैं मेन प्रॉब्लम पे, ठीक है। देखते हैं पहले कैसे करते थे, अब हम लोग कैसे सोचें, ठीक है। पहले हम लोग देखते थे कि कैसे करते थे, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सोचें। पहले मैं छोटी प्रॉब्लम से चलता हूं। इस प्रॉब्लम को हम लोग जो अपने बेसिक मेथड से करते थे, हम लोग कैसे एनालाइज करते थे, मैं पूरे स्टेप्स बतलाता हूं। पहले सिस्टम डिसाइड करते थे, कहते थे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। और जिस समय मैक्सिमम कॉम्प्रेशन या स्ट्रेच होगा उस समय दोनों की वेलोसिटी सेम होगी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगी। तो हम लोग सबसे पहला मेथड होता था, पहला स्टेप होता था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले मैं उससे सॉल्व करके बतलाता हूं, दोनों से अभी क्वेश्चन की जो लेंथ होगी ऑलमोस्ट सेम आएगी अभी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन, पहले ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यहां पे हम लोग कहेंगे कि जिस समय मैक्सिमम स्ट्रेच होगा उस समय बोथ विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, तो वी कैन राइट हियर इनिशियल लीनियर मोमेंटम m1 v0 और बाद में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v। तो इससे हमें v की वैल्यू आ गई, v इक्वल टू m1 v0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हमारे पास आ गई। इसके बाद फिर हम लोग यहां पे क्या लिखते थे, स्टेप टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, ठीक है। ये क्या होती थी, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, राइट। अब डेल्टा के में हम लोग क्या लिखते थे, डेल्टा के में लिखते थे वन बाई टू एम वन प्लस एम टू, दोनों की कॉमन वेलोसिटी थी, तो कैपिटल वी स्क्वायर माइनस वन बाई टू एम वन मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट का होल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो जाता था हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर और इक्वल टू जीरो। अब v की वैल्यू हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट करते थे। अब मुझे एक कैलकुलेशन ये करके बतला दो जरा, v की वैल्यू आपको यहां रखनी है और मुझे फिर x की वैल्यू बतला दीजिए, क्या रिलेशन x का आ रहा है, इतना आंसर आ रहा है। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं कि कैसे सोचें। देखना, सेम सिचुएशन मैं यहां पर डिस्प्ले करता हूं, अब चेक करना कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर देखें, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा के सीएम विल बी जीरो। मतलब समझ रहे हो ना कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा के सीएम विल बी जीरो। अब यहां पर डेल्टा के इंटरनल होगा केवल, जो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होगा, तो नाउ वी कैन राइट हियर, इस सिचुएशन में हम लोग लिख सकते हैं, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लें, तो यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, तो डब्ल्यू स्प्रिंग इक्वल टू डेल्टा के सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब डेल्टा के स्प्रिंग आपको मालूम है वर्डन कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वन बाई टू म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, तो वन बाई टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाई वी रिलेटिव, क्या हो जाएगा,
v naught square. बतलाई x की वैल्यू आप यहां पे देखो फाइनल जीरो होगी इनिशियल इतनी थी इसलिए यहां पे माइनस साइन आएगा ठीक है माइनस माइनस यहां पे कैंसिल हो जाएगा अब देखो डायरेक्ट आपके पास रिलेशन आ गया यहां तक क्लियर है समझ गए ना देख रहे हो कि यहां पे जिस समय कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे उस समय सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी जीरो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो इनिशियल इतनी होगी इसलिए चेंज क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का निगेटिव वर्डन इतना आया यहां पे डायरेक्ट हमने ये कैलकुलेट कर लिया यहां तक क्लियर ठीक है अब रिलेशन को डायरेक्ट लिखना अब मैं फिर कंडीशन दे रहा हूं वर्डन बाय द इसमें क्या कैलकुलेट करना है अच्छा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिलेटिव स्लाइडिंग एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम में सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज आएगा वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी क्योंकि फाइनली होल द सिस्टम विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी सेम एज द सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम में इंटरनल फोर्स फ्रिक्शन है जो वर्क करेगा वो भी काइनेटिक नेचर का अगर लिख लिया हो रिजल्ट तो मैं मुझे बतलाइए लिख लिया है आंसर मैं दिखला रहा हूं पहले आंसर चेक करिए यही रिजल्ट है अगर हम लोग इधर पे अपने उस मेथड से करते तो आप समझ सकते हो कि तीन स्टेप्स कम से कम होते यहां से अगर हम लोग कर रहे हैं तो देखो डायरेक्ट लिखेंगे यहां पे क्या हो जाएगा वर्डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी वर्डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो यहां पे क्या लिखेंगे म्यू मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एमजी मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और साइन क्या होगा माइनस और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का साइन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में भी क्या होगा माइनस होगा तो हम लोग यहां पे लिख देंगे इस वाले केस में डब्ल्यू फ्रिक्शन इक्वल टू डेल्टा के सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ओके तो यह आ जाएगा माइनस म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स रिलेटिव इक्वल टू वन बाई टू ये माइनस होगा चेंज क्योंकि फाइनल तो जीरो होगा माइनस एम वन ये यहां पे कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लीकेशन यहां पे वी रिलेटिव वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा राइट वी नॉट माइनस जीरो अब बतलाइए डायरेक्ट आ जाएगा वही रिलेशन जो मैंने आंसर बतलाया था चेक कर सकते हो यहां तक समझ में आ गया ना ठीक है फिर से एक कंडीशन देखिए अब यहां पे समझ रहे हो कि ये कंडीशंस आपके कंट्रोल में धीमे धीमे आने लगी और ये पार्ट अगर अच्छे से लर्न होगा तो हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स को कंट्रोल कर पाएंगे रोटेशनल डायनेमिक्स भी हम लोग नए तरीके से सोचेंगे ठीक है अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और देखना यहां पे ब्लॉक का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो ग्रेविटी होगा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचना पड़ेगा समझ गए ना यहां पे हमारे पास क्या रिलेशन है डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इंटरनल इक्वल टू डेल्टा के इंटरनल प्लस डेल्टा के एक्सटर्नल पहले मैं ये रिलेशन लिख लेता हूं यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है बस केवल समझने वाली बात है बस केवल एक एनालिसिस की बात देखो मैं यहां पे लिख लेता हूं डब्ल्यू इंटरनल प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा के सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस डेल्टा के सेंटर ऑफ मास ओके अब रीजनिंग वाला पार्ट एक्सटर्नल फोर्स है यहां पे ग्रेविटी तो यहां पे वर्क ग्रेविटी का नेगेटिव होगा यहां पे तो ये समझ में आ गया इंटरनल यहां कुछ भी नहीं है कोई फ्रिक्शन नहीं है तो लेफ्ट हैंड पार्ट तो हम लोग यहां पे डायरेक्ट देख पा रहे हैं ये हो जाएगा माइनस एमजीएच अब यहां पे डेल्टा के सीएम क्योंकि यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में चलने लगा एक्सटर्नल फोर्स है तो अब
जरा चेक करना वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो, जिस समय मैक्सिमम हाइट में जाएगा उस समय भी वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड जीरो, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन के सेंटर ऑफ मास को हमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा. तो डेल्टा के सीएम ड्यू टू द वर्टिकल मोशन विल बी जीरो, और हॉरिजॉन्टल तो पहले से जीरो था इसलिए ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ये जीरो हो गया. अब इसे फिर से वही लिख दो, मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर, राइट. अब बतलाइए अब एच कैलकुलेट कर लोगे, एम वन है ये एम वन से एम वन कैंसिल हो जाएगा तो एच विल बी इक्वल टू एम टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लीकेशन जी एम वन प्लस एम टू, राइट. यहां तक क्लियर है, इतना आ जाएगा. चेक कर लीजिए आपके पास जो रिलेशन मैंने बतलाया था ये सेम रिलेशन, ये इस टाइप का रिलेशन आएगा. ठीक है ठीक है, तो आपको मैं नेक्स्ट में इसी को कंटिन्यू रखूंगा, राइट.